जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने सबसे पहले जो है ना, आप जिसके साथ आपने ज्वाइन होना है उसका लिंक जो है ना उसे मंगवा लेना, और उसका लिंक जो है ना इस ब्राउज़र में आकर, ट्रस्ट वॉलेट में ब्राउज़र में आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसमें पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे लॉग इन एंड रजिस्टर। आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, मैंने कर लिया है, मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए जो है ना आपको, आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, यानी कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद आपके सामने लॉगिन आएगा, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके जो है ना BNB स्मार्ट, ये दो तीन चार बार आएगा, जब भी आए आपने BNB स्मार्ट सेलेक्ट करके जो है ना इसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ID आपकी आ जाएगी, ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप सबसे पहले जो है ना ये थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो है ना आपने चेक कर लेना है कि जो है ना आपका BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि मेरा शो हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक्टिव पे क्लिक कर, ठीक है, एक्टिव पे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अप्रूव, ठीक है। मैं टर्नर का परचेज कर रहा हूँ क्योंकि ज्वाइनिंग हो रही है, और ये जो है ना मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ, नीचे आप पूछो हो रहा होगा जी। यहाँ पर आपने पासवर्ड लगा देना है और ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें अप्रूव की जगह बाय का ऑप्शन आएगा, हाँ बाय आ गया। अब बाय करना है आपने, जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। आप यहाँ इसको अप्रूव करके अपना पासवर्ड मोबाइल जो लगाना है ट्रस्ट वॉलेट का, एंड यहाँ पर इन्वेस्ट सक्सेस हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन भी आ गया हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और इधर परचेज आ जाता है, ओके। आपकी ID जो है ना बन जाती है यहाँ पर। यहाँ पर डैश थ्री लाइन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी जो है ना ID आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप दे चेक कर सकते हैं, ऊपर नोटिफिकेशन आके $10 आपके सेंड हो चुके हैं और आपकी ID एक्टिव हो चुकी है। और आपने एक बार इसको रीलोड कर लेना,